मेरा नाम है मोहक और ये मेरी शादी की फोटो है। मेरी शादी हुई थी 3 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड से और वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मेरे सारे करीबी दोस्त और परिवार वाले उस जगह में थे। मुझे अपनी शादी में बहुत मजा आया और इस चीज की वजह से मैं और मेरी बीवी फाइनली एक साथ रह सकते। पर सब लोग ऐसी शादियां नहीं चाहते। जैसे इस रेडिट थ्रेड को देखिए जहां लोग बात करते हैं उन इंडियन परिवारों के बारे में जो शादियों में इतने पैसे खर्च करते हैं। टॉप कमेंट है, शादी स्कैम है, ब्रह्मचारी जीवन अपना। दूसरे कमेंट है कि ऑर्गेनाइजर के लिए ये पैसा का एकदम वेस्ट है पर गेस्ट को बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। राजू, किसी और ने कहा कि ये पैसा वो अपने फ्यूचर बच्चों के कॉलेज फंड में क्यों ना रखे। एक और कमेंट था कि मैं अपने पापा के भाई की बीवी के भाई को क्यों बुलाना चाहूंगा जब मैं उनको जानता भी नहीं। और इसी तरह कई लोग सोचते हैं। अब मेरी शादी में 200-250 लोग थे और मुझे बहुत मजा आया। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक ऐसे खानदान से हूँ जो बहुत प्रिविलेज्ड है, क्योंकि मेरे परिवार के पास वो पैसा था जिसकी वजह से मैं ऐसी शादी कर पाए जो चीज सबके पास अवेलेबल नहीं है। पर ये शादियों का सवाल बस अमीर लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर इंडियन परिवार के लिए, क्योंकि एक इंडियन अपनी पूरी जिंदगी की करीब 20% इनकम एक शादी पर खर्च करता है। इनफैक्ट 60% इंडियन फैमिलीज अपनी सालाना इनकम से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं शादी में। खुद सोचिए एक बार, अपनी सालाना इनकम से ज्यादा खर्च एक शादी पर। इसलिए मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडियन शादियाँ एक फालतू तरीका है पैसा खर्च करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि इंडियंस अपनी जिंदगी की 20% इनकम एक शादी पर खर्च कर देते हैं, पर ऐसा हर टाइम नहीं था। प्रतिभा चहल जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि 1970s में शादियां इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती थी। शादियों में मेनली फैमिली की ही इन्वॉल्वमेंट थी, जब परिवार के लोग खाना बनाते, घर को सजाते और फंक्शंस करते। जैसे श्याम कुलकर्णी की शादी की बात करते जो हुई थी 1965 में। ये शादी हुई थी श्याम में एक मंदिर में, जिसके बाद एक रिसेप्शन हुआ जहां बस 25 गेस्ट इनवाइटेड थे। और इसके पीछे एक कारण था जो शायद आप नहीं जानते, सरकारी रेगुलेशंस। सरकार ने उस समय लॉज पास करे थे जिसकी वजह से खाना राशन हो रहा था और एक नियम था कि 25 लोगों से ज्यादा को आप खाना खिला नहीं सकते अपने घर में। इनफैक्ट कलकत्ता के शादियों के कार्ड्स में ये साफ दिखाया जाता था कि सरकार का गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। ये इसलिए था क्योंकि 1965 और 1971 वॉर्स की वजह से इंडिया में खाने की कमी हो गई थी, जिस वजह से सरकार को खाना राशन करना पड़ा। पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये चीज सॉल्व हो गई और 21वीं सदी में आते आते शादियां बहुत एक्सपेंसिव होने लग गई। तो ऐसा क्यों था? इसके 3 कारण थे। पहला बहुत ऑब्वियस है कि इंडिया और अमीर हो गया। 1970s में इंडियन इकोनॉमी बहुत सेंट्रलाइज और रेगुलेटेड थी। जैसे इंफोसिस के नारायण मूर्ति ने एक बार बताया था कि उनको अमेरिका से कंप्यूटर इम्पोर्ट करने के लिए 3 साल लगे थे और 50 बार उनको सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ा था, जिसका मतलब था कि एक बिजनेस स्टार्ट करना और पैसे कमाना इतना आसान नहीं था इंडिया। ये सब चेंज हुआ 1991 के बाद, जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज कर दी गई। जब लोगों के पास पैसा आ गया, लोग अमीर होने लग गए और वो ये पैसा अपनी शादियों में खर्च करने लग गए। दूसरा कारण था बॉलीवुड। 1990s में कई मूवीज आई जहाँ शादियों को एक बड़े तरीके से दिखाया जाता था, जैसे हम आपके कौन हो या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और फिर हम जानती है कि मूवीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे समाज पर। पर मूवीज ही नहीं, फिल्म स्टार्स की असली शादियों का भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, चाहे प्रियंका चोपड़ा की शादी हो या फिर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की। जैसे 2018 में अनुष्का और विराट की शादी के बाद चांदनी चौक में एक लहंगे की शॉप ने बताया कि उस शादी के बाद हर दुल्हन अनुष्का जैसा लहंगा चाहती थी। और हम दूसरे फेमस लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हमारे लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। जैसे अगर हम ओवरवेट हो जाएं या फिर हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ जाएं तो उस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है कई बार। और हेयर लॉस भी एक ऐसी समस्या है जो बढ़ती उम्र के साथ बहुत नेचुरल है, और अगर ये उम्र के पहले स्टार्ट हो जाती है तो लोगों के कॉन्फिडेंस पर एक बहुत बड़ा असर करता है, स्पेशली लड़कों का कॉन्फिडेंस। हेयर लॉस के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें ये जानना होता है कि ये हेयर लॉस हो क्यों रहा है, उसी के बाद ट्रीटमेंट हो सकती है। हेयर लॉस में 7 स्टेजेस होती हैं और स्टेजेस 1 से 4 में आपके हेयर की रीग्रोथ नेचुरली हो सकती है, उसके बाद नहीं। 4th स्टेज के बाद आपको महंगे और रिस्की ट्रांसप्लांट्स करवाने होंगे, पर अगर आप अभी पहली 4 स्टेजेस में हो तो ट्राया आपकी मदद कर सकता है। ट्राया के डॉक्टर्स ने एक ऑनलाइन हेयर टेस्ट डिजाइन किया है जो आपसे कुछ सिंपल सवाल करता है, जैसे आपकी हेल्थ या फिर फैमिली हिस्ट्री के बारे में, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि आपका हेयर लॉस हो क्यों रहा है।
उसके अकॉर्डिंग आपको एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान दिया जाएगा। 2 लाख इंडियंस ने करीब 5 महीने में ट्रायल से रिजल्ट्स देखे हैं, जिनका सक्सेस रेट है 93%। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो एक बार ट्राय का एक फ्री टेस्ट लीजिए, रिव्यूज पढ़िए ताकि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फ्री टेस्ट के बाद आप एक कस्टमाइज किट खरीद सकते हैं 1 महीने के लिए, और फिर आपको डाइट प्लान दिया जाएगा और हेयर कोच भी, और फिर आप 5 महीने के अंदर रिजल्ट्स देख पाएंगे। मेरे कूपन MM20 से आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिए उसको। जो चीज 25 सालों पहले बॉलीवुड ने करी, आज वो इंस्टाग्राम कर रहा है। सभी कपल्स एक इंस्टाग्रामेबल शादी चाहते हैं। इंस्टाग्रामेबल मतलब ऐसी शादियां जिससे अच्छी फोटोज ली जाए और अच्छी रील्स बनाई जाए, जिनको बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया जाए। इस वजह से कई कपल्स शादी से पहले और शादी के बाद फोटोशूट्स करवाते हैं, जिनकी कॉस्ट 10,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकती है। जैसे उदाहरण देखिए, और ये सच है, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है उसी हिसाब से हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। तो अब हमें पता है कि शादियों में हम इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं, पर सवाल ये है कि हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्यों हम अपनी जिंदगी की 20% इनकम एक शादी पर लगा देते हैं। इसके पीछे कारण है सोशल स्टेटस, क्योंकि शादियां एक जरिया है ये दिखाने के लिए कि हमारा समाज में स्टेटस है क्या। जितना पैसा खर्च किया जाएगा उतना ही ऊंचा हमारा सोशल स्टेटस हो सकता है। जैसा खाना गेस्ट को मिलता है, जिस होटल में शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन ने कौन से कपड़े पहने, या फिर खाना उनको किस तरीके से दिया जा रहा है, ये सब मायने रखता है अपने सोशल स्टेटस के लिए। और इस सोशल स्टेटस के लिए कुछ लोग बहुत अतरंगी चीजें करते हैं। पंजाब के जालंधर में एक हाई प्रोफाइल शादी हुई, जहां दूल्हा ब्यारा चाने हेलीकॉप्टर पे सवार होकर आया और शादी के बाद उसी हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई हुई। अब आप कहोगे कि लोग कितने अजीब हैं यार, अपने सोशल स्टेटस के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। पर समाज में सोशल स्टेटस बहुत जरूरी है। यही सोशल स्टेटस डिसाइड करता है कि आपके दोस्त कौन होंगे, या फिर जब आपको सरकार से मदद चाहिए तो वो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की ऐसे लड़के से शादी करी है जो उनके गाँव से नहीं है। अब एक बड़ी शादी करना एक तरीका है लड़की के परिवार के लिए, लड़के के परिवार और उनके गाँव वालों को इम्प्रेस करने का, ताकि उनके समाज में लड़की के परिवार का सोशल स्टेटस बढ़ जाए। और अब दुनिया का कोई भी समाज ले लो, हर समाज के पास एक तरीका है सोशल स्टेटस दिखाने का। जैसे मिलिट्री जनरल्स जो बैजेस पहनते हैं, वो एक तरीका है उनका सोशल स्टेटस दिखाने का मिलिट्री के समाज में। सोशल स्टेटस की गेम की वजह से 2 चीजें होती हैं। पहला है दहेज, क्योंकि दहेज एक तरीका है एक लड़की के परिवार के लिए अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने का। सिर्फ 6 घंटे वेट करवाया, मतलब हमारी बहुत इज्जत करते हैं ये। रिसर्च ने पाया कि 1960 और 2008 के बीच रूरल इंडिया में 95% शादियों में दहेज इन्वॉल्व होता है, और कुछ गरीब खानदान दहेज पर अपनी सालाना इनकम का 14% पैसा खर्च कर देते हैं। इस सोशल स्टेटस की वजह से ही कई लोग हजारों लोगों को न्योता भेजते अपनी शादियों के लिए। और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो एक कहता है कि एक इंडियन के लिए बस हमारी अचीवमेंट्स ही मायने नहीं रखती, बल्कि हम किन लोगों के साथ बैठते हैं और उठते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताऊँ इस चीज का, जब लोग बोलते हैं तेरे को पता है मेरा बाप कौन है, या फिर चाचा विधायक है हमारे, ये सब दर्शाता है कि हम किन लोगों को जानते हैं वो बहुत जरूरी है, और इसी वजह से हम किन लोगों को इनवाइट करते हैं एक शादी में वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर लोगों को ना इनवाइट किया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में एक आदमी की पिटाई हो गई जब उन्होंने अपने एक जानने वाले को शादी पे बुलाया नहीं। अब इन चीजों से प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो समाज की तरफ से मजबूर हो जाते हैं पैसा खर्च करने के लिए। 60% से ज्यादा इंडियन परिवार शादियों के लिए कर्ज लेते हैं, और ये बोझ एक लड़की के परिवार पर ज्यादा होता है। जैसे अगर रूरल इंडिया में शादियों के गिफ्ट्स के बारे में बात करी जाए, तो इन गिफ्ट्स पर एक लड़की का परिवार 7 गुना ज्यादा पैसे खर्च करता है लड़के के परिवार से। 2004 में कुछ रिसर्चर्स ने एक छोटे से किसान से बात करी जिनके पास बस 2 एकड़ की जमीन थी। ये किसान अपनी बेटी की शादी करा रहे थे और उन्होंने शादी के लिए कई अरेंजमेंट्स करे थे, कई गेस्ट को इनविटेशन भेजा जिनमें एक लोकल पॉलिटिशियन भी शामिल था, और दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद घर पहुंचाने के लिए एक अम्बेसडर कार भी अरेंज करी गई। जब उनसे पूछा गया कि जब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे तो उन्होंने इतनी बड़ी शादी क्यों करवाई, उन्होंने कहा कि उनको एक शो करना था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है, जिस वजह से एक बड़ी शादी करना उनके लिए जरूरी था, चाहे उनको कर्ज क्यों ना लेना पड़े। दूसरी जगह कई लोग ये भी बोलेंगे कि ऐसी शादियों से हमें कई फायदे भी मिलते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी को। इंडिया की वेडिंग मार्केट 4 लाख करोड़ की मानी जाती है, और शादियों के आसपास कई बिजनेसेस खुल गए हैं। जैसे पंजाब में लुधियाना के पास एक गांव है
जहाँ के बैंड्स बहुत फेमस हो गए हैं। इस चीज का कारोबार उस गांव में इतना बढ़ गया है कि 4,500 गांव वालों में से 300 गांव वाले इन बैंड्स में ही काम करते हैं। फिर राजस्थान जहाँ मेरी शादी हुई वो एक पॉपुलर जगह बन गई है शादियों के लिए। होटल एग्जीक्यूटिव्स ने बताया कि कैसे 30-40% उनका रेवेन्यू शादियों से ही आता है और इन शादियों से टेंट वाले हो, ब्यूटिशियन हो, टेलर हो, पेंटर हो, चाय वाले हो, साउंड टेक्नीशियन हो या फिर फूल वाले, सबका व्यापार शादियों पर ही निर्भर है। ये भी माना जाता है कि शादी का कारोबार इंडिया में रिसेशन प्रूफ है। इसका मतलब है कि चाहे इकोनॉमी की हालत तहस नहस हो जाए पर हम लोग शादियों पर तो पैसे खर्च करेंगे ही। देखो मैं ज्यादा प्रवचन नहीं देना चाहता पर ये कहना कि शादियों पर पैसा खर्च करना बिल्कुल वेस्ट है या फिर ये कहना कि शादियां बड़ी ही होनी चाहिए, दोनों चीजें गलत है। ये आपकी पर्सनल चॉइस और फाइनेंशियल सिचुएशन पर निर्भर करता है। ये मायने नहीं रखता कि मैंने कैसे शादी करी। जैसे मैंने बताया कि ये मैं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूं, पर ऐसे कई लोग भी हैं जो खर्च कर सकते हैं पर करना चाहते नहीं। जैसे कई मिलेनियल्स अब छोटी शादियां करना चाहते हैं और #NoToBigFatWedding का कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे लिए पॉइंट बस ये है कि किसी भी परिवार पर दबाव नहीं होना चाहिए कि उनको अपनी क्षमता से बाहर पैसे खर्च करने पड़े। लोग अपनी इनकम से ज्यादा क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं इन शादियों पर? और अगर आप इस पूरी चीज से तंग आ गए हैं तो इस रेडिटर की सुनिए कि शादी स्कैम है, ब्रह्मचारी जीवन अपना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसे खर्च नहीं हो रहे, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जो आपको कहीं यूपी और बिहार की शादियों में मिल सकता है, डांस गर्ल्स। तो इस वीडियो को जरूर देखिए।